मनी हस्तियों को लेकर आपसे रूबरू कराने, तो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा मेरा। मैं आने वाली हूँ हर मंगलवार सुबह 11 बजे सेल के 113 नंबर चैनल पैशन एंड म्यूजिक कल्चर पर, और मेरा शो देखते रहिए गपशप विद पैशन। बाय बाय। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू गपशप विद पैशन। दिस इज योर होस्ट प्रज्ञा मिश्रा, और आज गपशप विद पैशन में हमारे साथ हैं जबलपुर के प्रख्यात कथक गुरु मोती शिवहरे जी। तो बिल्कुल आज जानते हैं उनसे कि डांस के बारे में कई लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, कई लोग क्लासिकल में, कई लोग वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो बिल्कुल आज गुरु जी हमारे साथ हैं, और आइए देखते हैं कि ये हमें क्या खास बताने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगी मोती शिवहरे जी का। नमस्कार सभी हमारे प्रिय दर्शकों को, मेरा सादर नमस्कार है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत खुशी हो रही है आपके बीच आकर के, और अपनी बात आप सब लोगों के साथ मैं बांट पाऊंगा कि पैशन टीवी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमारे नगर के जो संगीत सीखने वाले या संगीत की साधना करने वाले जो लोग हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य को लेकर के जो काम कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा अवसर लोगों के बीच में जाने का पैशन टीवी के माध्यम से जो मिल रहा है, मैं पैशन टीवी को बहुत बहुत इस कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे नगर की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं, वो नगर के सामने आ पाएंगी आपके माध्यम से। बहुत ही अच्छा काम है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आप इसी प्रकार से काम करते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रज्ञा जी को। जी सर बिल्कुल, और ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है कि सर आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि सर का खुद का इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसका नाम है नवरंग कथक कला केंद्र, और लगभग 18 से 19 सालों से सर इन्हें इसे चला रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हम जानते हैं कि सर ने अपनी ये जो डांस की जर्नी है, नृत्य की जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट की थी, क्या क्या परेशानियां उन्हें भी झेलनी पड़ी। तो सर आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कब ये सोचा कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना है। ऐसा है प्रज्ञा जी, लगभग 20-22 वर्ष पहले मैं साइंस कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था, बीएससी कर रहा था। कॉलेज का वार्षिक उत्सव हुआ, उस समय हमारे यहाँ ग्रीस दर्शने जी प्रशिक्षण देने आए थे। उन्हें देख के मेरे मन में आया कि मैं भी संगीत सीख सकता हूँ क्या। तब उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ सीख सकते हो। मैंने कहा कहाँ जाऊँ सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा भातखंडे जाएं, भातखंडे में सिखाते हैं। फिर मैं उसी साल भातखंडे गया और मैंने गायन में वहां पर अपना एडमिशन लिया। एक साल पूरा हुआ और वहां पर वार्षिक उत्सव हुआ हमारे भातखंडी कॉलेज का, और वहां पर मुझे एक कवाली गाने का मौका मिला। दूसरे दिन शाम को भातखंडी संगीत महाविद्यालय के कथक नृत्य गुरु हुआ करते थे गुरु छवि नायक, उनसे मेरी भेंट भातखंडी के बाहर रोड पर। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि परिचय हुआ, उन्होंने कहा मैं यहाँ कथक सिखाता हूँ, और तुम मुझे पहले मिले होते तो मैं जो गाया है तुमने उस पर कुछ भाव बता देता, कुछ एक्शन बता देता, तो जो गाया है वो और भी अच्छा लोगों को देखने को मिलता। और बातों बातों में हमारे एक मित्र थे हमारे साथ में आशुतोष विश्वकर्मा जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलते थे, मैं उस समय कम बोलता था। तो हुआ यूँ कि उनकी बात उनसे ऐसे होने लगी, उन्होंने कहा गुरुजी ने कि मैं इकलौता पुरुष नर्तक हूँ पूरे जबलपुर संभाग का, और कोई नृत्य सीखता ही नहीं है पुरुष आज के समय में। बात सही भी थी। तो हमारे मित्र ने आशुतोष जी ने कहा कि तो फिर हम लोग सीख सकते हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल सीख सकते हो। ऐसे बात चलते चलते ठीक है, अच्छा गुरुवार को प्रसाद लेकर के आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, हम गुरुवार से शुरू करते हैं। फिर हम गुरुवार आया तो उस समय हम तो विद्यार्थी हुआ करते थे,
कहीं 40-50 रुपए जेब में पड़े थे हमारे, तो उसी में हमने एक नारियल खरीद लिया, थोड़ा प्रसाद खरीद लिया और उसी में कुछ दक्षिणा के लिए बचा लिया। अपने मित्र के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं सीखूंगा। अरे हमने कहा कैसा कह रहे हैं भाई आसू भाई, आपने तो कहा था कि सीखेंगे और हम मना कर रहे हो। बोले अच्छा एक काम करो, आज से तुम शुरू करो, अगले गुरुवार से हम शुरू करेंगे। और हम वो लेकर के पहुंच गए बात करने, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने पूजन कराया, घुंगरू पूजन हुई। किसी के लिए घुंगरू बनाए थे उन्हीं घुंगरू का पूजन हुआ, वो घुंगरू हमें दे दिया गुरु जी ने और हमारी नृत्य की यात्रा भी प्रारंभ। ओके, तो जैसा कि हमेशा से देखा जाता है कि पुरुष वर्ग के जो लोग होते हैं वो खास तौर पर कथक में तो कम रुचि रखते हैं, और आपकी रुचि देखकर आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, कितना उन्होंने सपोर्ट किया? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई भी जेंट्स हो और वो कथक जैसी चीजों में रुचि रखता है तो बहुत ही कम ये देखा गया है कि फैमिली सपोर्ट करे। तो बिल्कुल सर से जानते हैं कि उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। हमारे जो पिताजी हैं अब नहीं हैं, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि संगीत नहीं सीखना, क्योंकि हमारे परिवार में कोई संगीत का साफ भी नहीं जानता। हमारे अड़ोस पड़ोस में बड़े दूर दूर तक संगीत का कोई संबंध है हमारे परिवार का नहीं, पर हमारी माँ ने हमें सपोर्ट किया। माँ ने चोरी छुपे हमारे पिताजी को पता नहीं था, और उन्होंने हमें नृत्य सीखने के लिए बात करने में संगीत और नृत्य सीखने के लिए प्रवेश दिला दिया। पूछा करते थे पिताजी, शाम को ही क्लास होती थी मातकंडे में, कि जब वो फैक्ट्री से लौटते थे तो कहाँ है मोती, तो माँ कहती थी कि वो ट्यूशन पढ़ाने गया, झूठ बोलती थी। तब पिताजी, मुझे ऐसा लगता था उन्हें पता तो था, समझते तो थे वो, पर बात को वहाँ करके टाल जाते थे। और चोरी छुपे मेरी संगीत यात्रा धीरे धीरे चली, और चलते चलते आज आप सबके सामने, पूरे शहर के सामने हमारी संगीत की यात्रा है। बड़ी लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा की है, संघर्ष किया है, पुरुषों के लिए बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि सच में उस समय कोई पुरुष जो है नृत्य नहीं सीखता। लोग हंसी उड़ाया करते थे, हमारे साथ के लोग हंसी उड़ाते थे, क्योंकि नर्तकों की कुछ छवि बिगड़ी हुई भी थी, आज भी बिगड़ी है। तो संघर्ष तो है, पर उस संघर्ष की हमने कभी चिंता नहीं की। हमारे एक मित्र हुआ करते थे नेमा जी, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ क्योंकि बहुत वर्षों से उनसे मिला नहीं हूँ, हमसे छोटे थे, वो संगीत सीखते। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे मातकंडे के जो शिक्षक, वो भी हमारी हंसी उड़ाने लगे, तब हमने उस चीज़ को, नृत्य को मन में आया कि छोड़ देते हैं। तब उसने मैंने हौसला बढ़ाया और समझाया कि नहीं नहीं भैया, आप छोड़ना, आप सीखते चलो, अभी जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दो, एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग जो है आपके बहुत सम्मान करेंगे। और मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ, यदि उस दिन मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में आपको और क्या उपलब्धियां मिली है? आप एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट तो चला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितने बच्चे वहां पर हैं और बच्चों को इससे क्या मतलब, क्या आपको रिस्पांस मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है? देखिए इस समय नवरंग कथक कला केंद्र के नाम से हमारी संस्था चल रही है, और लगभग वर्तमान समय में 150 करीब हमारे विद्यार्थी हैं। गढ़ा में एक क्लास है, रांची में, कमरिया में, नया गांव में, श्रीनाथ के तरिया पे, होम साइंस कॉलेज के पास, प्रियदर्शनी कॉलोनी में, विजयनगर में भी प्रारंभ हो रही है, ऐसे हमारी क्लासेस हैं। विद्यार्थियों के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी मेरे पास आज है वो मेरे विद्यार्थियों के कारण ही है। लोग कहते हैं कि गुरु अच्छा मिल जाए तो सब कुछ है,
और मैं कहता हूं कि विद्यार्थी बहुत अच्छे मिल जाए तो गुरु का की सफलता है, क्योंकि पात्र यदि सुपात्र है तो उसमें हम बहुत कुछ अच्छा रख सकते हैं, पर पात्र ही नहीं ठीक तो हम उसमें रखेंगे। मैं भाग्यवान हूं कि मुझे बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले, उनसे अच्छे उनके अभिभावक रहे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज उनकी मेहनत, उनके सहयोग, उनके सपोर्ट के कारण ही मैं आज इतना बड़ा काम कर पाया हूँ। पूरे शहर में, शहर के बाहर, पूरे देश में, लगभग देश के सभी शहरों में मैंने अपने नृत्य की प्रस्तुतियाँ स्वयं भी दी हैं और हमारे विद्यार्थियों ने दी हैं। जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर फील्ड में कुछ अलग करके दिखाना ये सबकी चाह होती है, तो जानते हैं कि सर ने अपने जो कथक इनका विशेष रहा है उसमें क्या नए प्रयोग किए हैं, ये हम जानते हैं आज सर से। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो उसमें प्रयोग होना अति आवश्यक है। मैंने भी कथक का शुद्ध प्रदर्शन तो किया ही है। हमारे जब सीख रहे थे, हमने प्रारंभ किया सीखना, उस समय कथक का एक अपना चलन था शहर में, अपने स्टाइल से लोग करते थे, जैसा भी गुरुजनों से सीखा उन्होंने और सिखाने वालों ने वैसा वो सिखा रहे थे। पर मैंने जब बाहर देखा निकल के तो कथक जो जबलपुर में हो रहा था उससे बाकी शहरों का कथक बहुत अलग भिन्न था, महाराज जी का कथक या बड़े लोगों का। तब मैंने उसको बहुत देखा, समझा, और सारा का सारा जो कथक है जो जबलपुर में हो रहा था उसको सारा परिवर्तित किया और एक नए रूप में मैं कथक को लेकर के आया। हमारे जो प्रस्तुतियां हैं, हमारे क्लास के जो हमारे बच्चे करते हैं वो बहुत ही हट करके प्रस्तुतियाँ करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। उसका प्रमाण ये है कि हमारे बच्चों ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थाओं के जो कॉम्पिटिशन्स हैं या गवर्नमेंट के बाल उत्सव है, यूथ फेस्टिवल है जो हमारा यूनिवर्सिटी का होता है, ओपन यूथ फेस्टिवल है, ऐसे सभी में हमारे बच्चों ने जो है प्रथम स्थान अर्जित किया है। और कथक केंद्र नावरन कथक कला केंद्र ही एक ऐसा केंद्र है शहर में जिसके लगभग 35-36 वर्षों से यूथ फेस्टिवल हो रहा है। हमारे केंद्र की विद्यार्थी अश्विनी सोनी ने, वो इकलौती है हमारे शहर की, उसके पहले किसी ने ये उपलब्धि प्राप्त नहीं, जो कि जून में प्रथम आई, फिर नेशनल और इंटरनेशनल तक जा करके उसने प्रथम स्थान, ये हमारे शहर की उपलब्धि भी रही, हमारे केंद्र की उपलब्धि रही। बालरंग में हम अनेकों बार राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, अभी पिछले वर्ष ही हमारा पुत्र सारंग शिवहरे ने प्रथम स्थान अर्जित किया। किरण प्रतियोगिता होती है लगभग 40 वर्षों से हमारे शहर के पास कटनी में, उसका भी इतिहास है कि हमारे जबलपुर के किसी भी कलाकार ने प्रथम स्थान अर्जित किया। कथक में हमारी विद्यार्थी अंकिता गिनारा ने उसमें प्रथम स्थान अर्जित किया, और ऐसी अनेक अनेक सफलताएँ हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हुई। कथक में प्रयोग तो हमने जहाँ एक और कथक को जो शास्त्रीय पद्धति है उसे पूरा का पूरा हमने परिवर्तित किया, नया रूप दिया। उसके साथ में अभी वर्तमान समय में पिछले 2 वर्ष पहले कथक में एक नया प्रयोग किया हमने, कव्वालियों पे कथक किया जिसका नाम था सूफी कथक। मैंने स्वयं भी और हमारे बच्चों ने लगभग 3 घंटे का पूरा एक प्रदर्शन किया और फिर वो इतना सफल हुआ कि अनेकों शहरों में जाकर के हमने वो सूफी कथक की प्रस्तुतियाँ दी हैं। अभी कुछ दिनों के बाद एक और हमारा जबलपुरी सूफी कथा को लेकर के प्रोग्राम होने वाला है। अभी इस वर्ष हमने गज़लों पर कथा किया, 3 घंटे जो गज़ल होती है, बहुत सारी गज़ल, गज़ल तो यद्यपि सुनने की एक विधा है पर गज़ल पे नृत्य भी होता हो सकता है, तो हमने ऐसे तलाशा तो ऐसा संगीत विशेष मिला नहीं जिसपे बहुत नाच सकते हैं, तो बहुत सारी मुजरे की जो गज़लें हैं, दिल चीज क्या है आपने भी जान लीजिए, ऐसे और भी बहुत सारी गज़लों पर लेकर के हमने अभी 3 घंटे का एक नया शो किया।
जिसे हमने गजल पे कथा कहा, महफिली कथा कहा, ऐसे प्रयोग भी हमारी संस्था में होते हैं और बहुत सफल होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ नया देखना चाहता है, पुराना तो देख ही रहे, उसके साथ साथ कुछ नया होता है तो और इंटरेस्टिंग होता जाता है, सीखने वाले के लिए, सिखाने वाले के लिए और देखने वाले के लिए, तीनों के लिए जब कोई प्रयोग होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने नृत्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा कहाँ से आरंभ की है और किन किन लोग थे, कौन कौन से आपके जो गुरु जी थे जिन्होंने आपका बड़ा ही साथ दिया है और यहाँ तक आज आपको पहुँचा है। हमारे जैसे कि संगीत की यात्रा मैंने पहले भी बताया था, लाठखंडी से प्रारंभ हुई, गुरु छवि नायक जी से प्रारंभ किया और फिर हमारे नगर की बड़ी वरिष्ठ कलाकार रही हैं श्रीमती वीना ठाकुर जी थी, उनके पास मैंने सीखा, करोली लाल जी भट्ट, रामेश्वर सोनी जी, प्रकाश दुबे जी, इनके मार्गदर्शन में मैंने निरंतर अपनी कथक नृत्य यात्रा को आगे शहर में बढ़ाया और विशेष रूप से पंडित बिरजू महाराज जी का भी मुझे सानिध्य मिला, उनकी शिष्या बहुत ही सीनियर हैं, गुरु बहन भी कह सकते हैं उन्हें, स्वाति गोटबोले जी, उनसे प्रशिक्षण लिया, सरस्वती दीदी, श्रीमती विद्या देश पांडे जी, ऐसे अनेक शहर में देश के बड़े बड़े कलाकारों के सानिध्य में जो समय समय पर मार्गदर्शन से लेते रहे हैं और जो कुछ उनसे सीखा है वही अपने बच्चों को परोस रहे हैं। क्या तो सर जैसे मैंने रासलीला के बारे में सुना है कि आप रासलीला में भी कई क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं, तो कुछ हमारे साथ शेयर करें। रासलीला लघु काशी पचमठा मंदिर है हमारे शहर में, वहां से लगभग 10 वर्ष पूर्व सूर्य जी कृपा से प्राप्त हुई और लगभग आज तो पूरे देश भर में रासलीला के प्रदर्शन हम कर रहे हैं। वृंदावन में जैसी रासलीला होती है वैसे ही पूरा नाटक, दरबार, आरती, मंचन, फूलों की होरी, मयूर नृत्य, बहुत सारी लीलाएं, बाल लीलाएं, राधा कृष्ण की छेड़छाड़ की लीलाएं, ये सब भी जो है लेकर के पूरे शहर में और पूरे देश में जो प्रदर्शन हुए हैं, पूरा भगवान का श्रृंगार, पूरा मंच, पूरे मेकअप, ये सारा कुछ जो है मैंने सीखा और बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आज के जनरेशन में हमारे जो यूथ हैं वो वेस्टर्न डांस की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और जो इंडियन क्लासिकल होता है, कथक होता है, उसमें उनकी रुचि बहुत ही कम दिखाई देती है और ख़ास तौर पर लड़कों की तो मतलब ना के बराबर होती है। तो आइए सर से जानते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट कथक में बना रह सकता है और उसके लिए इंटरेस्ट बनाने के लिए भी और क्या कर सकते हैं, हम ये हमें आज सर बताएंगे। प्रज्ञा जी, ऐसा है हमारे देश में जो हमारे नृत्य हैं वो हमारे अपने हैं और बाहर जो देश है उनकी अपने संस्कृति है, अपने नृत्य हैं। मैं जहां तक एक नृत्यकार होने के नाते मानता हूं कि जितना सम्मान हमारे मन में हमारे नृत्यों के लिए है उतना ही हमारा वेस्टर्न डांसर्स के लिए भी है। बच्चे सीखें, हमारे बच्चे का रुझान वर्तमान समय में बहुत अधिक वेस्टर्न डांसों की ओर ज्यादा हो रहा है, वो सीखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बाहर जरूर सीखो पर जो हमारा अपना है उसे भी सीखो, क्योंकि इसे तो हम ही सीखेंगे और जब हम सीखेंगे तो साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो हमारे नृत्य है, हमारा जो संगीत है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये बढ़ाने का काम हमारे वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी पर है। यद्यपि बहुत चिंता की बात नहीं है, लगता ऐसा है कि हमारा यूथ बहुत अधिक वेस्टर्न की ओर जा रहा है, पर वर्तमान समय में हम
हमारा भारतीय संगीत भारतीय नृत्य की ओर भी बहुत सारा यूथ इस समय लगा हुआ है और सीख रहा है, उसका प्रशिक्षण ले रहा है और प्रदर्शन भी कर रहा है। इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में हमारे भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य का बहुत अच्छा समय चल रहा है जी। हमारे शहर को ही हम देखें तो लगभग हमारे शास्त्रीय संगीत में लगभग इस समय 1000 विद्यार्थी होंगे हमारे शहर में, सिखाने वाले 27-28 लोग हैं नृत्य को सिखाने वाले, तो ये अच्छा समय है। बिल्कुल। रही लड़कों की बात, पुरुष नर्तकों की बात, ये जरूर देखने मिल रहा है कि जो हमारे लड़के हैं, यूथ है, पुरुष है, वो हमारे क्लासिकल जो हमारा नृत्य है, कथक है, उसकी ओर कम आ गए। फिर भी मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हमारे केंद्र में लगभग इस समय 8 से 10 लड़के कथक सीख रहे हैं। मेरे पुत्र सारंग शिवहरे और संकल्प दोनों मेरे बेटे, वो भी सीख रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि इन सबको देख करके लग रहा है कि आगे चल करके लड़कों के अंदर भी रुचि बढ़ेगी और आने वाले समय में हमारे जो पुरुष नर्तकों की संख्या बढ़ेगी और एक और अच्छा दौर, एक और अच्छा समय आएगा। सर, जैसे कि कथक तो आपके विशेष है, लेकिन ऐसे और भी चीजें जिसमें आपको रुचि हो, ऐसी क्या क्या चीजें जिसमें आप बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं? लोक नृत्य पे बहुत काम किया, जैसे अभी पूर्व में हमने बताया था सूफी कथक और गजलों पर कथक, उसके साथ साथ मुझे अभिनय का भी बड़ा शौक रहा है। लगभग 22-23 वर्षों से गढ़ा रामलीला समिति निर्देशन का कार्य कर रहा हूँ और अभिनय भी किए हैं बहुत सारे, उसमें जनक, केवट, दशरथ और भी बहुत सारे, परशुराम जी, बहुत सारे, नारद का अभिनय किया। और ये अभिनय की जो रुचि है वो मुझे एक ऐसे जगह लेकर के आई जहाँ से प्रारंभ हुआ रासलीला का, रासलीला पे भी बहुत सारा मैंने काम किया है, साथ में गायन, वादन, हारमोनियम बजाना, कीबोर्ड, थोड़ा तबला ढोलक भी थोड़ा बजा लेता हूँ, लेखन का भी शौक है, संगीत की लगभग लगभग सभी विधाओं का थोड़ा थोड़ा रुचि तो रखता हूँ, प्रयास भी किया है, पर मूल विधा जो है जिस पर काम कर रहा हूँ मेरी मूल विधा। तो सर, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी जनरेशन है और जितने भी लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा डांस में, कथक पे खास तौर पर, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जो विद्यार्थी वर्तमान समय में कथक सीख रहे हैं या संगीत सीख रहे हैं भारतीय संगीत, उसमें बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में तो बस जो आज की जो दिख रहा है हमें टेलीविजन पे या जो बाहर दिख रहा है उसको देख करके वो सीखने के लिए आए और वो चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी कुछ पा जाऊं, बहुत जल्दी मैं कुछ कर जाऊं, सीखना नहीं चाहते। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि संगीत धैर्य से सीखो, आराम से सीखो, संगीत में जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है संगीत साधना होती है। बिल्कुल बिल्कुल, साधना ही है संगीत, साधना है संगीत, साधना है संगीत, योग है साधना, भक्ति है साधना, संगीत जो है वो मुक्ति भी दिलाता है। संगीत में सब कुछ, जो एक संगीतज्ञ है जो वो एक योगी की तरह ही होता है, जिस तरीके से योगी योग करता है, तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए, संगीतकार भी संगीत की साधना करता है, योगी की तरह ही करता है। और एक ऐसा समय आता है कि वह उसका संगीत जो है वो अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ जाता है, और जिनका संगीत अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ जाता है
उसका संगीत पूरा होता है ऐसा मैं मानता हूँ। और धैर्यता से सब सीखें, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो संगीत सीख रहे हैं वो खूब मन लगा कर सीखें, रियाज करें, मेहनत करें, गंभीरता रखें और संगीत को भी प्राथमिकता से सीखें। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे नृत्य गुरु मोती शिवहरे जी, और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जिनकी रुचि रही है डांस में, वो बिल्कुल सर को फॉलो करेंगे, और जबलपुर पे खास तौर पर जो भी लोग हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। आज गुरु जी को आपने अपने साथ देख लिया है और इनके जीवन से जुड़ी कई बातें यहाँ पर हमें मालूम चली। Sir,
आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बिल्कुल कई सारी अच्छी अच्छी बातें और आपके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा आप सभी से विदा लेती हूँ और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे शहर के एक नई प्रतिभा के साथ। नमस्कार।